साथी अध्यक्ष जी, इस मंच पर मौजूद साथी राहुल गांधी जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश जी, बिहार के कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, मंच पर मौजूद हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम, पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल जी, मंच पर मौजूद अन्य तमाम महागठबंधन के नेतागण और इस रंगभूमि मैदान में उपस्थित संघर्षशील साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, आप सबको मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की ओर से इनकलाबी सलाम पेश करता हूं। ये धरती पूर्णिया की हमारे महान साहित्यकार हिंदी के फणीश्वरनाथ रेणु, बंगला के महान साहित्यकार सतीनाथ भादुरी, कम्युनिस्ट आंदोलन के महान नेता नक्षत्र मालाकार अजीत सरकार की धरती है। इस धरती को नमन करता हूं और आज का दिन महात्मा गांधी के शहादत का दिन है। गांधी जी को तो हम लोग साल भर, हम लोग क्या पूरी दुनिया याद करती है, लेकिन आज के दिन खास तौर पर हम सबको ये याद रखना चाहिए कि आजादी के सिर्फ 6 महीने के अंदर आजादी मिलने के बाद हमारे आजादी के सबसे महान नेता महात्मा गांधी की हत्या किन ताकतों ने, किस विचारधारा ने क्यों किया था। और आज वही ताकतें हैं जो हिंदुस्तान पर राज कर रही है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज इस समय इस देश को बचाने के लिए हम लोग एकजुट होकर के लड़े। राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा सबसे पहले की, आपने नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश दिया और अभी हम देख रहे हैं कि 14 तारीख मणिपुर से जो यात्रा शुरू हुई, जहां सबसे ज्यादा इस समय पूरे मणिपुर को बर्बाद किया जा रहा है, हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है, उस जगह से अपने न्याय के अधिकार की आवाज, हक की आवाज को बुलंद करते हुए आपने यात्रा निकाली। मैं इस यात्रा की संपूर्ण सफलता की कामना करता हूं। इस यात्रा के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मैं यहां मौजूद हूं और हमारे साथ ही यात्रा जहां जहां से गुजरेगी, इस यात्रा के समर्थन में हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे तमाम कार्यकर्ता जरूर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लड़ेंगे और यात्रा को सफल बनाने में मदद करेंगे। साथियों, इस पूरे एक ऐसे दौर में आज हम लोग यहां इकट्ठे हैं। हमें पता है कि हिंदुस्तान में हमारे संविधान, हर रोज उस पर हमला हो रहा है। हर पहलू से, संविधान का कोई भी पहलू, अभी 26 तारीख को हमने गणतंत्र दिवस मनाया, 74 साल पूरे हो गए संविधान के। उस संविधान ने जो कहा कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभु गणराज्य होगा, हर पहलू से उस संविधान की लगातार उसकी हत्या की जा रही है। अभी हमने देखा 22 तारीख को राम मंदिर उद्घाटन के नाम पर किस तरह से घालमेल कर दिया गया धर्म और राज्य का। संविधान के मुताबिक हिंदुस्तान के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य अलग है, धर्म अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले साल जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, एक राजकीय आयोजन होना चाहिए था, जहां हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को होना चाहिए था, वहां राष्ट्रपति नजर नहीं आई। वहां तमिलनाडु से सारे संत पुजारी, उनको बुला के लाया गया और एक राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल प्रधानमंत्री को दिया गया। तो जो राजनीतिक आयोजन होना चाहिए था उसको बना दिया गया धार्मिक आयोजन। और अभी मंदिर का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंदिर बन रहा है, उस आधा अधूरा मंदिर अभी पूरा बना भी नहीं, उसके उद्घाटन के मौके पर उसको एक पूरा राजनीतिक आयोजन बना दिया गया और लगा कि नरेंद्र मोदी
अपने पूरे 2024 के चुनाव अभियान की शुरुआत उस अयोध्या से राम के नाम पर कर रहे हैं। तो इस देश में सब कुछ अब उलट पुलट हो रहा है, संविधान को उलट करके अपने सर के बल खड़ा किया जा रहा है, उस संविधान को फिर एक बार पैरों के बल पर खड़ा करते हुए उस संविधान के अंदर जो हमारे साथ ही जो आप न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, आजादी भाईचारा बराबरी जो संविधान ने हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए वादा किया उसको हासिल करने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। पूर्णिया के साथियों को जरूर याद है पिछले साल 25 फरवरी को महागठबंधन की एक बड़ी सभा इसी मैदान पर हुई थी और उस समय नीतीश जी हमारे बीच में थे। 2022 के 9 अगस्त आ गए थे इधर और उन्होंने कहा कि हम इधर ही अब रहेंगे, अब कहां उधर जाएंगे। लेकिन अभी 17 महीने पूरे होते होते नीतीश जी वापस गए। क्यों गए ये तो समय बताएगा, नीतीश जी बताएंगे। लेकिन दो चीजें हमें बहुत साफ दिख रही है, एक कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पूरी सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है। इस देश में कहीं भी कोई विपक्ष की सरकार, कोई गैर भाजपा सरकार ना चल सके, इस पर भारतीय जनता पार्टी आमादा है। महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के बाद अब बिहार में यह तख्ता पलट कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि झारखंड में हमला हो रहा है, पश्चिम बंगाल में लगातार हमला हो रहा है, कर्नाटका में जहां चुन करके फिर कांग्रेस की सरकार बनी उस सरकार के लिए आर्थिक दिक्कतें पैदा की जा रही है, पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां उसके लिए दिक्कत पैदा की जा रही है, पूरे देश में विपक्ष की सरकारों को कहीं चलने नहीं देना चाहती। तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता चाहिए थी, अब ये तो नीतीश जी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मदद उन्होंने क्यों की। जो दूसरी बात मुझे लगती है कि बिहार में एक एजेंडा सामने आ रहा था, बिहार के अंदर जो जाति आधारित सर्वे हुआ पहली बार पूरे देश में एक शुरुआत हुई और हमने पूरे देश के लिए मांग की कि जाति आधारित जनगणना हो। उस सर्वे ने हमें बताया कि बिहार के अंदर किसकी कितनी आबादी है, लेकिन उस सर्वे ने और एक चीज हमें बताने का काम किया कि बिहार आज भी हिंदुस्तान के सबसे गरीब प्रदेशों में है। जितने भी हम विकास की बात कर लें उस विकास के आड़ में भयंकर गरीबी बिहार के अंदर, 6000 रुपए से कम आमदनी ऐसे परिवार वो एक तिहाई है, और अगर 10000 से कम आमदनी वाले परिवारों को आप देखेंगे तो लगभग दो तिहाई। तो बात हो रही थी कि बिहार से गरीबी मिटाने के लिए हमें कदम उठाने की जरूरत है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हुई, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का 75% करने का फैसला हुआ, शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पक्की नौकरी की बात शुरू हुई नौजवानों के लिए। तो हमें लगता है कि बिहार से जो ये जो एजेंडा बन रहा था रोजगार का, सामाजिक न्याय का, जाति आधारित जनगणना का, इस पूरे एजेंडे को खत्म करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आज ये तख्ता पलट किया गया है। हमारी पार्टी भी, हमने 24 तारीख से 30 तारीख तक का एक अभियान लिया था। 24 तारीख कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर समस्तीपुर जाकर के हमने शुरू किया। बिहार आज भी कर्पूरी जी को याद करता है, दो दो बार मुख्यमंत्री बने थे, लंबे समय तक राज करने का मौका नहीं मिला, कुछ ही समय के लिए मिला, लेकिन जब मौका मिला उन्होंने आरक्षण की शुरुआत की। उस आरक्षण के अंदर पूरे मुस्लिम समाज के बहुत सारी जातियों को भी उन्होंने शामिल किया, महिलाओं को शामिल किया, शिक्षा के विस्तार के लिए काम किया और जेलों से राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए काम किया, कभी समझौता नहीं किए कुर्सी बचाने के लिए। तो आज हमारे नीतीश जी जो बिहार में अभी तक 9 बार शपथ ले चुके हैं, पता नहीं और कितनी बार शपथ लेना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले और बिहार में पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 17 से ज्यादा, तो आज नीतीश जी जब नाम लेते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के तो हम तो कहेंगे कि भाई कर्पूरी जी एक संघर्ष के प्रतीक थे,
कर्पूरी जी सत्ता के प्रतीक नहीं थे, कर्पूरी जी समझौते के प्रतीक नहीं थे और सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के हक के लिए लड़ते रहे हैं। और इसीलिए बिहार में कर्पूरी जी की विरासत को भी आगे बढ़ाना हो, पूरे बिहार के अंदर सामाजिक न्याय और भूमि सुधार की लड़ाई को अगर तेज करना हो, इस पूरे बिहार के अंदर संपूर्ण लोकतंत्र की हिफाजत और संविधान की रक्षा की लड़ाई को तेज करना हो, ये जिम्मेदारी आज हम लोगों के कंधों पर है। और पूरे बिहार और देश के वामपंथियों की ओर से हम बिल्कुल कहेंगे कि आज का ये जो दौर है, जैसे आजादी के आंदोलन का दौर था, अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर के आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी बिल्कुल उसी तरह उस आजादी के आंदोलन से, आजादी के साथ साथ हमें जो लोकतंत्र मिला, हमें जो संविधान मिला, उस लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत करने के लिए, आज देश को बर्बाद करने के लिए, पूरे देश में एक देश को तहस नहस कर देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश चल रही है, इस साजिश को चकनाचूर करने के लिए आज हमें एक होना पड़ेगा। गांधी जी की विरासत इस देश के अंदर, अंबेडकर की विरासत इस देश के अंदर, भगत सिंह की परंपरा इस देश के अंदर, अंबेडकर पेरियार की परंपरा, इन तमाम परंपरा को मानने वाले लोग, विचारों को मानने वाले लोग मिलकर के लड़ना होगा। और हमने जो लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, बिहार के अंदर पहले से महागठबंधन था, वो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और रहेगा। और मजबूती से लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में बिल्कुल हम लोग करारी शिकस्त दे और इस देश को बचाने का काम करेंगे। आपने हमें मौका दिया, आमंत्रित किया, मैं खड़गे जी का आभार प्रकट करता हूं, राहुल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।